Welcome to our online YouTube video. So let's start. And today we'll study about the Earth in the solar system. We'll study about the first chapter, the Earth in the solar system. So first of all, I would like to ask you, what is the Earth? Earth kya hai? Earth is a planet in which we live. Earth wo planet hai, jahan pe hum rehte hain. और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम वो जगह है जहां पे सारे प्लैनेट्स, सन और अदर मीटियोराइड्स एंड एस्टेरॉइड्स होते हैं. ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा अर्थ आता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? ओके, द सन, द प्लैनेट्स, द मून, the stars and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. The sun, जो हमारा सूरज है, हमारे planets हैं, जो हमारा moon है, जितने भी stars हैं और जो भी objects shine करते हैं sky में, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, उन सब को हम celestial bodies कहते हैं. We call them as celestial bodies. Okay? So the earth in which we live, the sun from which we get the light, and the moon, and all the stars which we see at night, and all other planets are celestial bodies. What are they? Celestial bodies. Okay? Now, moving forward, about the sun. The sun is a star. What is the sun? It is a star. Sun is also a star. Sun bhi ek tara hai. Stars are very big and hot. They are made up of gases and have their own heat and light. जो हमारे stars होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा hot होते हैं क्योंकि वो gases से बने हुए होते हैं. उनके अंदर अपने ही कुछ chemical reactions जो हैं वो persist करते हैं जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और वो अपनी ही हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दोज केमिकल रिएक्शंस. ओके, एंड दे एमिट दैट हीट एंड लाइट टुवर्ड्स अस. जैसे जो सन है वो एक स्टार है, इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. वी कैन सी, जब हम सन की तरफ देखते तो हमें कैसा लगता है? एक बिग बॉल ऑफ फायर है, जबकि वो भी एक स्टार है और वो अपनी हीट एंड लाइट हमारे अर्थ की तरफ एमिट करता है जिससे हमें गर्मी महसूस होती है और हमारे अर्थ पे लाइट रहती है जितने टाइम सूरज की साइड हमारे अर्थ का या हमारे अर्थ का जो भी पार्ट सूरज की साइड रहता है उस साइड पे जो सन की लाइट है और हीट है वो एमिट होती है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स in the night sky are similar to the sun, but we do not feel like their heat and light because they are very far from us. Countless, countless मतलब अनगिनत, अनगिनत twinkling stars जो हैं वो हमें रात को sky में दिखते हैं जो sun की तरह ही similar है पर वो हमसे बहुत दूर है. They are very far from us. That's why उनकी हीट और लाइट जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है और हमें सिर्फ वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, वो प्रॉपरली हमें नहीं दिखते, जगमगाते हुए दिखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी डू नॉट सी मून एंड द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ देम टू सी. ओके, तो हम जो रात को स्टार्स देखते हैं और मून देखते हैं वो हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? द रीजन बिहाइंड दिस इज
जो सन की लाइट है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि उस टाइम पे हमें स्काई में सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स एंड ब्लू स्काई ही दिखता है, बाकी कोई और ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता, क्योंकि जो सन की लाइट है वो हमें देखने नहीं देती है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को। उसकी लाइट ही हमारी आंखों में इतनी तेज ब्राइटली लगती है कि हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रात को गाड़ी में जा रहे होते हैं तो अगर जो हमारे सामने से गाड़ी आ रही होती है उसकी ब्राइट लाइट जब हमारी आईज में पड़ती है तो हमें बाकी सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाता है, हमें बाकी कुछ नहीं दिखती आसपास की चीजों में अगर उसकी ब्राइट लाइट डायरेक्टली हमारी आईज पे पड़ती है। सो सेम इज द कंडीशन हियर, जब सन की ब्राइट लाइट हमारी आईज पे पड़ती है तो बाकी की कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे स्काई में प्रेजेंट होगी जिसकी लाइट सन की लाइट से ज्यादा नहीं है वो हमें दिखती नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सी इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, एग्जाम्पल द उर्सा मेजर एंड द सप्तऋषि। व्हाट इज सप्तऋषि? एवरीवन नोज, जो सात ऋषियों के स्टार्स हैं, द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। बहुत सारे मदर्स एंड फादर्स, आपके जो मदर एंड फादर हैं, सबके इवन मदर एंड फादर को सप्तऋषि एंड उर्सा मेजर के बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता होगा। कॉन्स्टेलेशन हम उस चीज को बोलते हैं, उस एक फॉर्म को बोलते हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ स्टार एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्रुप ऑफ स्टार जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। सपोज जो ये सप्तऋषि है, वी सी अ क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क बनता है सेवन स्टार्स का, दैट्स द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। ओके, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में लोगों को डायरेक्शंस और टाइम कैसे पता चलता था? स्टार्स के पैटर्न से। ओके, कि कौन कहां पे कौन सा स्टार है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, कहां पे कौन सा स्टार है तो कौन सा डायरेक्शन है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। एक स्टार जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली एक ही पोजिशन पे रहता है, उसे हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं और पोल स्टार भी बोलते हैं, और वो जो है वो स्टार जो है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ओके, द पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, एज मैंने कहा एज यूजुअल, द पोल स्टार जो है वो एक ही पोजिशन पे रहता है इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशन है ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। ओके, तो वो जो कॉन्स्टेलेशन है उसके थ्रू हम जो पोल स्टार है हमारा या नॉर्थ स्टार है या नॉर्थ पोजिशन, नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है वो हम पता कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो सी वेरियस अदर कॉन्स्टेलेशंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द ज़ोडियाक साइंस, एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं जो हमने सुना है हमारे पेरेंट्स से राशिफल के बारे में और ज़ोडियाक साइंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन द बर्थ और द नेम। ओके, ये सब जो है ये कॉन्स्टेलेशन से ही रिलेटेड है। पुराने जमाने के लोग जो है वो समझते थे कि इन कॉन्स्टेलेशंस की वजह से ही हमारी लाइफ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स पड़ते हैं जब वो अपने कॉन्स्टेलेशन का पैटर्न जो है वो फॉर्म करते हैं। इसी वजह से इन्हें ज़ोडियाक साइंस का भी नाम दिया गया है, क्योंकि हमें जो एंशियंट लोग हैं उन्हें लगता था कि ये जो स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है ये हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर करते हैं। ओके, नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ओके, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और वो जो है उनके उनमें लाइट कैसे आती है? थ्रू डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज या थ्रू स्टार्स, लाइक अर्थ इज अ प्लैनेट और अर्थ अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हमें अर्थ पे लाइट कहां से आती है? थ्रू सन। ओके, वी गेट सोलर एनर्जी थ्रू सन। ओके,
सो फ्रॉम सन वी गेट द लाइट एंड ये जो बॉडीज होती हैं जिनमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है इन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? प्लैनेट्स. ओके. अवर अर्थ इज अ प्लैनेट विच रिसीव्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन टोटल. ओके. हमारा अर्थ भी जो है एक प्लैनेट है और इसे भी कहां से हीट और लाइट मिलती है? फ्रॉम द सन. और सन क्या है? दैट इज अवर नियरेस्ट स्टार. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमारा जो सन है वो हमारा सबसे ज्यादा नियरेस्ट स्टार है. ओके. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन टोटल. इट मींस दैट हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. ओके. वी हैव 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो हमारे सन के चक्कर लगाता है, सन के अराउंड मूव करता है, वैसे ही ये जो हमारा मून है. ओके. द मून वी सी इन द स्काई वो एक सैटेलाइट की तरह हमारे अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के चारों तरफ वो अपनी ऑर्बिट पे, अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता रहता है, मूव करता रहता है. ओके. क्लियर अबाउट इट? सो व्हाट इज द मून? इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट गिवन बाय द नेचर. अर्थ के पास एक मून है लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके पास और भी मून्स हैं. वील स्टडी अबाउट इट. ओके. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम, हमारी जो सोलर फैमिली है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? द सन 9, नाउ 8. ओके. पहले 9 प्लैनेट्स थे इंक्लूडिंग प्लूटो, बट नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स. द सैटेलाइट मींस द मून्स प्रेजेंट अराउंड ऑल द प्लैनेट्स. एस्टेरॉइड्स के बारे में और मीटेरॉइड्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स दे आर द मैटर ऑफ डस्ट एंड गैसेस. ओके. फॉर्म अवर सोलर सिस्टम और अवर सोलर फैमिली. तो हमारा सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, द एस्टेरॉइड्स, द मीटेरॉइड्स, ये सब मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है. आइदर वी कैन से इट एज अ सोलर फैमिली. ओके. सो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम. इट इज मेड अप ऑफ extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. जो हमारा सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है. सेंटर मीन्स बीच में. ओके. सेंटर में है और ये किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है. किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत सारी गर्म गैसेस के रिएक्शन से ये सन बना है. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. और जो ये सन है इसके थ्रू ही हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में बाउंड है और उनकी एक एक्सिस बनी हुई है जिसपे वो रोटेट करते रहते हैं सन के चारों तरफ. ओके. सो इट इज द पुलिंग फोर्स. इट हैज द पुलिंग फोर्स. इसमें एक ऐसी खींचने की, पुल करने की शक्ति है जिसके थ्रू ये सारे प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स को सबको बांध के रखता है जिससे वो अपनी एक्सिस पे मूव करते रहे. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. और सन जो है वो हम सारे प्लैनेट्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का. हीट मीन्स गर्मी, हमें जो गर्मी प्रोवाइड करता है, और लाइट, लाइट मीन्स रोशनी प्रोवाइड करता है. और ये ही एक अल्टीमेट, एकमात्र सोर्स है हमारी हीट और लाइट के लिए. फॉर दिस सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके लिए, डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस. ये हमारा नियरेस्ट स्टार है. अभी हमने पढ़ा था कि जो सन है वो हमारा सबसे ज्यादा नियरेस्ट स्टार है, पर तब भी ये हमसे बहुत दूर है. क्योंकि अगर ये प्यास होता तो और ज्यादा हीट और ज्यादा लाइट होती जिसको हमारी ह्यूमन बॉडी जो है
वो सहन नहीं कर पाती और उसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ परसिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हमसे अभी भी बहुत दूर है। कितना दूर है? लेट अस नो दैट द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ओके, जो सन जो है हमारा, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। जो हमारा सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ओके, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर्स। दैट्स वाई इट्स ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। इसी वजह से जो सन की ट्रिमेंडस हीट है, ट्रिमेंडस मतलब जो भयानक हीट है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। और हम जितनी हीट वो हमें देता है उतना हमारा ह्यूमन बॉडी मैनेज कर पाता है, या हम कह सकते हैं कि उतनी हमारी ह्यूमन बॉडी सहन कर सकती है, उतनी हीट ही हमारे पास आती है। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक है, फ्रॉम दिस रेफरेंस द वर्ड सोलार इज डिराइव्ड। हम कहते हैं ना सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम क्यों कहते हैं? सोलार वर्ड कहां से निकला? सोलार वर्ड निकला है सोल से, जो रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड के नाम से जाना जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है हमारा सन। क्या है? हमारा सन। इसी वजह से हमारा जो एक सिस्टम है उसे नाम दिया गया है सोलर सिस्टम। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम? स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 8 planets in our solar system. In the order from their distances from the sun, they are कौन कौन सा? सन से लेकर, सपोज हियर इज द सन एंड लाइन से जितने प्लैनेट्स हैं वील नेम देम। द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, द सेकेंड वन इज वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, देर आर 8 planets। वंस मोर वी विल रिपीट इट। मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। वंस मोर रिपीट विथ मी। ओके स्टूडेंट, लेट्स रिपीट। मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। दीज एलोंगेटेड पाथ्स आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, उसके अराउंड मूव करते हैं ऑन अ फिक्स पाथ। और ये जो पाथ होता है, ये जो एलोंगेटेड पाथ है, इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ओके, मर्कुरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 round अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो मर्कुरी है वो सन के बहुत करीब है, बहुत पास में है, द फर्स्ट प्लैनेट है क्योंकि, तो वो जो है वो 88 days लेता है अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। कितने डेज लेता है? 88 days अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। और नेपच्यून जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है अभी तक का। ओके, और वो कितना टाइम लेता है? इट टेक्स 164 years टू कंप्लीट 1 round अलोंग इट्स ऑर्बिट। और वो कितना टाइम लेता है? 164 years टू कंप्लीट 1 orbit। एंड अर्थ कितना टाइम लेता है? हु विल टेल मी? हाउ मेनी डेज डज द अर्थ टेक? इट्स 365 days। ओके, वेरी गुड। इट्स 365 days टू कंप्लीट 1 round अराउंड द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ओके, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन प्लैनेट बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ। जो वीनस है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है अर्थ से, इसीलिए उसको अर्थ ट्विन प्लैनेट कंसिडर किया गया है, क्योंकि उसका जो साइज है और जो शेप है वो अर्थ के जैसे ही है। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ओके, जिससे 2 kids एक साथ पैदा होते हैं तो उनको ट्विन बोला जाता है, मीन्स जुड़वा। वैसे ही वीनस को अर्थ का
ट्विन प्लैनेट बोला गया है. फॉर टुडे वील स्टडी ओनली दिस मच एंड रेस्ट यू विल गेट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, रिवाइज इट वंस, मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम द नोट्स गिवन एंड स्टडी वेल एंड यू विल गेट योर होमवर्क. सो यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. बाय बाय. We'll meet in the next video.